The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. कई लोग ये मानते हैं कि एक्सरसाइज करने से उनके पेनाइल या पेनिस प्रॉब्लम्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, फीमेल की प्रॉब्लम्स, कई लिबिडो की प्रॉब्लम, सेक्स की इच्छा बढ़ सकती है. इसमें कितनी सच्चाई है? केगल एक्सरसाइज एक तरीके की एक्सरसाइज इसी चीज़ की है. पेल्विस के नीचे साइड की पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कहते हैं. ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस आपके पेशाब का ब्लैडर जो होता है उसका कंट्रोल बेटर करने के लिए प्रूवन है और पॉसिबल है. इट्स पॉसिबल है कि वो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करे, क्योंकि ये वही उसके आसपास की मसल्स हैं जो आपके सेक्सुअल एरिया के आसपास है. सो ऑब्वियसली मस्कुलर कंट्रोल ज़्यादा बेहतर होगा, तो हो सकता है उस समय भी आप कंट्रोल कर पाएँ. तो क्या है कीगल एक्सरसाइजेस? देखिए, कई लोगों को लगता है कि कीगल एक्सरसाइजेस सिर्फ फीमेल के लिए होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. कीगल एक्सरसाइजेस आप भी कर सकते हो. मेन के लिए, आदमियों के लिए कीगल एक्सरसाइजेस पेल्विक फ्लोर के मसल्स को स्ट्रेंथन करती है, जो हमने जैसे बताया कि आपके बॉवल यानी कि मोशन पास करने वाली जगह और ब्लैडर यूरिन पास करने वाली जगह, इन दोनों को, बॉवल और ब्लैडर फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, साथ ही सेक्सुअल फंक्शन को भी अफेक्ट करती हैं. जी हाँ. सो प्रैक्टिस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें. प्रैक्टिस करने से आपकी कीगल एक्सरसाइज कभी भी कहीं भी की जा सकती है. कभी भी कहीं भी आप बैठे बैठे, अभी मैं बैठा हूँ, मैं बैठे बैठे कीगल एक्सरसाइज कर सकता हूँ, राइट? मगर आपको ये देखना, जब बिफोर स्टार्टिंग कीगल एक्सरसाइजेस, आपको ये लोकेट कि करेक्ट मसल्स और करेक्ट टेक्निक समझना ज़रूरी होगा. करेक्ट मसल्स, कौन सी मसल्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है, वो पैर की मसल्स नहीं है, वो थाई की मसल्स नहीं है, वो पेट की मसल्स नहीं है, राइट? वो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं. तो मसल्स को आइडेंटिफाई करना, कौन सी मसल्स का काम होना चाहिए और किस तरह से उनसे काम निकालना है, कैसे उनको एक्टिवेट करना है, वो आपको समझना होगा. और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उम्र होती है, ऑपरेशंस होते हैं फीमेल्स में डिलीवरी के बाद, कई बार मेल्स में प्रोस्टेट सर्जरी के बाद, डायबिटीज़ के बाद, ओवर एक्टिव ब्लैडर के बाद, पेशाब बार बार आ जाने के बाद, आपके क्या होता है, ये पेल्विक मसल्स जो हैं लूज हो जाते हैं, पेल्विक मसल्स वीक हो जाते हैं. इस वीकनेस से भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं, पेशाब में दिक्कतें आ सकती हैं, स्टूल्स में. तो आप क्या करेंगे, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपकी मसल्स स्ट्रांग होंगी. तो ना सिर्फ आपको पेशाब में, स्टूल्स में फायदा होगा, इरेक्शन में भी फायदा होगा. सो क्या होगा, कैसे करेंगे, राइट? पेल्विक एक्सरसाइज, अगर आपको मान लीजिए यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, वो भी उसमें भी हेल्प करेगा. यूरिन बार बार बिना आपके कंट्रोल के निकल जाता है, फीकल इंटॉन्स ऐसी मोशन निकल जाता है, तो या फिर पेशाब टप टप करके गिरता रहता है जब आप टॉयलेट से निकल चुके हैं, फिर भी तो भी आपको पेल्विक एक्सरसाइजेस फायदा करेगी. तो कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट. उसके लिए आपको राइट मसल्स आइडेंटिफाई करना सबसे पहला स्टेप है. आपको पेल्विक फ्लोर की मसल्स आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सिंपल टेक्निक है. जब भी पेशाब करने जाते हो, जब भी यूरिन करने जाते हो, आपको पेशाब को बीच में ही रोक देना है. स्टॉप यूरिनेशन इन मिड स्ट्रीम, या फिर टाइटन द मसल दैट कीप यू फ्रॉम पासिंग योर यूरिन. मतलब वो मसल्स टाइट करनी कि पेशाब ना निकले. ये है पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज. यहां पर आप यूज कर, जब आप यूज करते हो कि मिड स्ट्रीम यूरिन, पेशाब निकलते निकलते रोक के दिखाओ. जी हाँ, अगर आप नहीं रोक पा रहे, आपकी पेल्विक मसल्स में कोई दम नहीं है. अगर आप रोक पा रहे हो तो आपकी पेल्विक मसल्स में दम है, आप पेशाब रोक पाओगे. ये तब काम आती है जब आपका पेशाब का बहुत प्रेशर आ रहा है और बाथरूम बहुत दूर है और आपको दौड़ना पड़ रहा है या रोकना पड़ रहा है. सो पेल्विक मसल्स वो है, पेल्विक मसल्स, थाई की मसल नहीं है, बट की मसल नहीं है, पेट की मसल नहीं है, एब्स नहीं है, नो. ये वो मसल्स है जिससे पेशाब रुक जाता है. फीमेल्स हो या मेल्स हो, यूरिन को मिड स्ट्रीम रोकने की कोशिश करें, या वो मसल्स एक्टिवेट करें जिससे कि यूरिन ना निकले. जब आप इसे थोड़ा रेगुलरली करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इसे कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, जैसे बैठे बैठे इस वक्त मैं कर रहा हूँ. जी हाँ, मैं कर रहा हूँ, आपको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, कर सकते, आप भी कर सकते हो, करो.
अभी करके देखो, राइट। जब आप आइडेंटिफाई कर लोगी पेल्विक मसल क्या है, आप किसी भी पोजीशन में बैठे, उठे, खड़े, लेटे, किसी भी पोजीशन में एक्सरसाइज कर सकते हो। और स्टार्टिंग में लेटे लेटे ये एक्सरसाइज ज्यादा आसान फील होती है, लेटे लेटे आप ज्यादा कर सकते हो ये चीज। फिर आती है क्या टेक्निक है परफेक्ट परफेक्ट टेक्निक। तो आपको क्या करना होगा, आप अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को टाइट करें, पेशाब को रोकें, राइट। होल्ड द कॉन्ट्रैक्शन फॉर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन को रोक, आप रोकें, 1 2 3, 3 सेकेंड रोकें एंड देन रिलैक्स फॉर 3 सेकेंड, 1 2 3, अगेन 3 सेकेंड, 1 2 3, रिलैक्स, 1 2 3, डू इट विद मी, कम ऑन, करना है ऐसे, कर, चलो कर लो, कर लेना, ठीक है, ओके। सो 2-4 बार 6 बार इसको करेंगे, जैसे जैसे आपकी मसल स्ट्रांग होती जाएगी आप बैठे बैठे भी इसको कर पाएंगे, लेटे लेटे भी कर पाओगे, चलते फिरते भी कर पाओगे, वॉकिंग करते करते भी कर पाओगे, जी हाँ। सो इस तरह से आपको समझ में आएगा। फोकस तीसरा स्टेप है इसमें, फोकस मेंटेन करना, सबसे अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको फोकस रखना पड़ेगा आपकी पेल्विक मसल्स पे ही, ओनली ऑन द पेल्विक मसल्स, कि सिर्फ वही मसल्स है। पेट टाइट नहीं करना है कि मेरा पेट भी टाइट हो, पेट टाइट नहीं, जितना सिर्फ वो मसल्स फोकस होंगी उतना आपका उसमें पावर ज्यादा बढ़ेगा। सो पेल्विक मसल्स को फोकस करना है आपको, और केयरफुली फोकस करना है, डू नॉट फ्लेक्स योर एब्डोमिनल, थाई या बटक मसल्स की, और सांस नहीं रोकना है। सांस रोक से बगैर अगर आप कर सकते हैं तब आप सही कर रहे हैं, अगर सांस लेते हुए कर रहे हो देन यू माइट नॉट बी डूइंग द एक्चुअल थिंग, राइट। ब्रीथ करना है रेगुलरली, फ्रीली ब्रीथ करना है, और इसको कितनी बार करना है दिन में, इसको 3 times a day करना है, एटलीस्ट 3 times, और एक में एक बार जब करोगे तो उसमें 3 sets करने, और हर सेट में 10 repetition होने चाहिए, यानी 3 sets मतलब 10 बार आपने किया, 3 सेकंड के लिए रुका, 3 सेकंड के लिए छोड़ा, ऐसे 10 बार किया, ऐसे 3 sets किए सुबह दोपहर शाम, ऐसे 3 बार करेंगे तो आपकी पेल्विक मसल स्ट्रांग होगी। और आप अगर इसको डेली बेसिस पे करेंगे तो आपके आपके आप कभी भी कर सकते हो, ब्रश करते समय, यूरिनेट करते समय, मोशन कभी भी इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो इससे आपको इरेक्शन में भी फ़ायदा मिलेगा, मेंटेन करने में फ़ायदा मिलेगा, प्री मेच्योर इजैकुलेशन में फ़ायदा मिलेगा, जी हाँ इस चीज़ से फ़ायदा मिलता है, राइट। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रिजल्ट कि आपके यूरिन लीकेज में प्रॉब्लम कम होगी आपको, लेकिन ये प्रॉब्लम कुछ हफ्तों से महीनों के बाद है, ऐसा नहीं कि आज किया तो कल रिजल्ट आ जाएगा, तो कुछ हफ्तों में आएगा, कुछ हफ्तों से एक हाथ कुछ महीनों तक फ़ायदा आएगा। तो इसको रेगुलर करना होगा आपको, प्रैक्टिस करनी होगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगती, समझ लगती है थोड़ी सी, राइट। आप इसको अपने रूटीन का डेली हिस्सा बनाएं, खासकर जिनकी उम्र बढ़ती जाती है उनको तो ये ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। उम्र के साथ साथ पेल्विक फ्लोर्स वीक हो जाती है, सो एक उम्र 40, 45, 50 के बाद में आपने रेगुलरली करें। फीमेल्स को प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद में रेगुलरली करनी होती है, वो बहुत अच्छा तरीका होता है, इवन उनकी विजाइना टाइट हो जाती है, भाई बहुत ज़ोरदार चीज़ है। यू कैन ट्राई दिस पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज, कीगल एक्सरसाइजेज इसे कहते हैं, राइट। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज।